वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है अर्थ ओवरशूट डे, जो कि 2 अगस्त 2023 को ऑब्जर्व किया गया था। देखो, अर्थ ओवरशूट डे का मतलब यह है कि जो ह्यूमंस हैं वो अर्थ के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। अर्थ से ही हम, जैसे कि क्रूड ऑयल है, नेचुरल मटेरियल है, मिनरल है, फाइबर, एग्रीकल्चर, वाटर, कोल, मेटल्स, सारे के सारे चीजें हम जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब हम अर्थ से ही ले रहे हैं। और अर्थ में कैपेसिटी होती है कि वो उसको रीजनरेट कर सके। जैसे कि कोई एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं या फिर हम कोई भी प्लांट का यूज कर रहे हैं, तो हमने उस प्लांट को कट किया अपने फ्यूल के लिए, फ्यूल वुड के लिए, ठीक है। तो 2-3 साल बाद फिर से एक प्लांट नेचर वहां पे ग्रो कर सकता है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ नेचर, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी। लेकिन अब हमारा कंजम्पशन इतना ज्यादा हो चुका है कि जो अर्थ की कैपेसिटी है रीजनरेशन की, उसको हम एक्सीड कर देते हैं। मतलब कि अगर एक साल में एक प्लांट ग्रो कर पा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया, वहां से हमने 4 प्लांट्स को कट कर दिया, तो नेचर तो सिर्फ एक ही प्लांट को रिप्लेस कर सकता है वहां पे। तो हमने क्या किया कि उसकी जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर दिया हमने, तो वो एक हार्मफुल सिचुएशन है। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब यही है, जब ह्यूमन का जो कंजम्पशन है वो अर्थ की रीजनरेशन पावर से एक्सीड हो जाता है। मतलब कि अर्थ एक साल में जितना रीजनरेट कर सकती है उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे ही बोला जाता है अर्थ ओवरशूट डे। इससे सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। इट मीन्स कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, अगर हम ही इतना ज्यादा अनसस्टेनेबल यूज करेंगे रिसोर्सेज का, तो फ्यूचर जनरेशन को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का इतना एक्सेसिव यूज होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सब काफी लिमिटेड अमाउंट में है और ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज फाइंड आउट नहीं किए गए। तो दैट्स वाई सस्टेनेबल यूज करना रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। इट मीन्स कि हमने 2 अगस्त तक अर्थ एक साल में, 1 ईयर में जितना रीजनरेट कर सकता है उतना हमने 2 अगस्त तक पूरा का पूरा कंप्लीट कंजम्पशन अपना कर लिया। दैट इज द ओवरशूट डे। तो ये ओवरशूट डे मेजर करता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। 1971 से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेटेड बाय ग्लोबल बायो कैपेसिटी को हम डिवाइड करेंगे ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से। ग्लोबल बायो कैपेसिटी मतलब कि अर्थ की कैपेसिटी टू रीजनरेट, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल बायो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब कि ह्यूमन की डिमांड कितनी है उन रिसोर्सेस की, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, इंटू 365। तो इससे हमारा आ जाता है अर्थ ओवरशूट डे। तो अभी हम जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है इसको और अच्छे से समझते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम जो चाहिए प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस के लिए। मतलब कि अर्थ हमारे लिए रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर रही है किसी भी फॉर्म में, जैसे कि एनर्जी के लिए यहाँ पे कोल प्रोड्यूस, कोल कहाँ से मिल रहा है, अर्थ से मिल रहा है, पेट्रोल अर्थ से मिल रहा है, सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग, फाइबर, टिम्बर, ये सब हमको अर्थ से मिल रहा है, फूड वगैरह अर्थ से मिल रहा है, सी फूड हमको सब अर्थ से मिल रहा है। तो इन सब के लिए एक लैंड एरिया चाहिए। सपोज ये है लैंड एरिया जहाँ पे कि हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी फूड वगैरह हम कंज्यूम कर रहे हैं, और ये है हमारा वाटर का इकोसिस्टम, इसको भी हम यूज कर रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वेस्ट का भी जनरेशन होगा। ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कि वेस्ट को हम मैनेज कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जितना एरिया हमको चाहिए, द एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड, ये सारे एक्टिविटीज को करने के लिए, फूड प्रोडक्शन, वाटर, जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब के प्रोडक्शन के लिए और साथ में वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसके एसिमिलेशन के लिए जितना हमें एरिया चाहिए एक साल में, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब अगर हम ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे कि सपोज टिम्बर का हमने यूज किया फ्यूल के लिए, हमने बहुत सारा टिम्बर यूज कर लिया, तो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारा बढ़ गया उससे। इट मींस कि हमको एक साल में जितना यूज करना था उसको हमने एक्सीड कर दिया। जो कैपेसिटी थी, बायो कैपेसिटी है अर्थ की रीजनरेट करने की, उसको हमने एक्सीड कर दिया है, उसे ही हम कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो ये जो आइडिया था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, ये आइडिया 92 में विलियम रीस ने दिया था। उन्होंने बताया था कि ये अर्थ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है।
तो अर्थ ओवरशूट डे निकालने के लिए हमें चाहिए होता है अर्थ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इट मींस कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं बायो कैपेसिटी और कितना रीजनरेट हो सकता है अर्थ से, तो उससे निकलता है यहाँ पे अर्थ ओवरशूट डे। हर एक नेशन का अगर हम अर्थ ओवरशूट डे यहाँ पे देखते हैं तो कतर का अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व हुआ है 10 फरवरी, इट मींस कि 10 फरवरी तक कतर ने इतना कंजम्पशन कर लिया जितना कि एक साल में जो इसका एरिया है, जितना भी एरिया है उसमें जितना प्रोडक्शन हो सकता है एक साल में, वो इन्होंने 10 फरवरी तक का कंप्लीट कर लिया है, कंज्यूम कर लिया। अब वो ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं। लग्जमबर्ग 14 फरवरी, कनाडा, यूएई, यूएसए 13 मार्च, इट मींस कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन है यहाँ पर, रिसोर्सेस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेट, कुछ कंट्रीज हैं जो कम कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि जमैका है 20 दिसंबर है इसका अर्थ ओवरशूट डे, इक्वाडोर 3 दिसंबर, इंडोनेशिया 3 दिसंबर, क्यूबा है 25 नवंबर। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ओवर कंजम्पशन हो रहा है रिसोर्सेस का, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है हर कंट्री से। तो जो अर्थ ओवरशूट डे है वो काफी, इट इज कमिंग सूनर एंड सूनर। पहले अगर हम देखें 1970 में जो अर्थ ओवरशूट डे देखा गया था वो था 30 दिसंबर, यानी कि एक साल में जितना अर्थ ने प्रोड्यूस किया है उतना ही उसके जो प्रोडक्शन की क्षमता है एक साल की, उतना ही एक साल में ह्यूमन ने कंज्यूम किया है। उसके बाद फिर वो 20 दिसंबर पे पहुंच गया, फिर 10 दिसंबर, 26 नवंबर, 1975 में अगर आप देखोगे तो 30 नवंबर, यानी कि एक महीने पहले ही अर्थ के रिसोर्सेस को कंज्यूम कर लिया गया जितना वो एक साल में प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे अर्थ ओवरशूट डे काफी जल्दी यहाँ पे देखने को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जैसे कि अब 2000 से आप देखोगे तो सितंबर में था, फिर 2005 में देखो अगस्त के महीने में ही खत्म हो गए सारे रिसोर्सेस, 2015 में भी ये अगस्त में चल रहा अभी, और 2023 का कब था, 2 अगस्त, तो 2 अगस्त में ही 1 ईयर का रिसोर्स हमने कंप्लीट कर दिया। तो पहले जब 1970 में 30 दिसंबर तक हमारे रिसोर्सेस कंज्यूम होते थे तो तब हमें सिर्फ एक अर्थ की जरूरत थी, लेकिन अभी देखो अब हमें 2 अर्थ की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 अर्थ जितना एक साल में प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना हमारा एक साल का कंजम्पशन हो चुका है। ओवर कंजम्पशन, दैट इज वेरी अनसस्टेनेबल। इंडिया का अगर हम ओवरशूट डे देखें तो इंडिया एक रोल मॉडल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस का कंजम्पशन है वो काफी कम कंजम्पशन है। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं जो मेजर एक्सप्लॉयटर हैं, जैसे कि कतर है, लक्समबर्ग, यूएसए, कनाडा, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सब एक्सप्लॉयटर्स हैं, एक्सप्लॉयटर ऑफ रिसोर्सेस, तो इन्हें इंडियन लाइफस्टाइल को शायद अपनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हम कर सके रिसोर्सेज का। जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेज के वो कंट्रीज लाइक कतर, लक्समबर्ग, यूएई, फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना, इंडोनेशिया, अगर कतर की तरह ही सबने कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो जितने भी रिसोर्सेस है वो 11 फरवरी को ही खत्म हो जाएंगे। कतर का जो ओवरशूट डे था कब था, 10 फरवरी। अगर पूरे जितने ग्लोबली अगर सबने इतना ओवर कंजम्पशन शुरू कर दिया तो अर्थ का ओवरशूट डे यहाँ पे 10 फरवरी को ही आ जाएगा, अभी तो अगस्त में आ रहा है। तो जो ये कंट्रीज है इनको इंडियन लाइफस्टाइल को अपनाने की काफी जरूरत है। जो GFN की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, उसने बताया है कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से अगर लोगों का लाइफ स्टाइल होगा तो हमको कितने अर्थ की जरूरत पड़ेगी। अगर यूएस से जितना कंजम्पशन करता है उतना सारी कंट्रीज कंज्यूम करे तो हमको 5 अर्थ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरह कंजम्पशन हो तो 4.1 अर्थ की जरूरत पड़ेगी, रशिया 3.2, तो ये कंट्रीज जितनी भी हैं, ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, चाइना, ब्राजील, इन सब का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया का देखो, अगर हम इंडिया की लाइफस्टाइल को यहाँ पे अपनाते हैं तो हम सिर्फ 0.7 अर्थ के ही रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा कंजम्पशन सस्टेनेबल कंजम्पशन है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। लेकिन वर्ल्ड का अगर हम एवरेज देखें तो अभी 1.75 अर्थ की जरूरत पड़ रही है, इतना ज्यादा हमारा ओवर कंजम्पशन है। तो ये ओवरशूट डे का जो कॉन्सेप्ट है जो GFN यहाँ पे देता है, उसका यही पर्पस है कि कंट्रीज को ये बताना कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अर्थ के रिसोर्सेस का जो कि अनसस्टेनेबल है, तो सबको एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को यहाँ पे अपनाने की जरूरत है जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को भी तभी हम मिटिगेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी। सो दैट्स व्हाई लाइफस्टाइल शुड बी सस्टेनेबल। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।